रोहतक पीजीआई के गायनी विभाग के 22 डॉक्टरों के कोरोना संक्रमित होने से पीजीआई में हड़कंप मच गया है। हालांकि पीजीआई प्रशासन कह रहा है कि यह कोरोना का आंकड़ा एकदम नहीं आया है, पिछले 14 दिनों के रिकॉर्ड में यह डॉक्टर कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं एहतियात के तौर पर विभाग के वार्ड को बंद कर सैनिटाइज किया जा रहा है और वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। इसमें से 14 डॉक्टरों ने कोरोना वैक्सीन भी ले रखी थी, जबकि 8 डॉक्टरों ने चिकित्सा कारणों के चलते वैक्सीन की डोज नहीं ली। संबंधी जानकारी देते चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर पुष्पा दहिया ने बताया, मैं आपको ही बताना चाहती हूँ कि कोविड-19 के केसेस तो पहले भी आते रहते थे और ये जो 22 डॉक्टर पॉजिटिव आए हैं ये एक दिन में पॉजिटिव नहीं आए हैं, ये पिछले 12 से 14 दिन के अंदर अंदर ही ये सभी केसेस आए हैं। तो ऐसा था कि पहले 2 पॉजिटिव आए, 4 पॉजिटिव आए, लेकिन हमने पिछले 48 घंटे में हमें लगा कि ये पॉजिटिविटी जो है ये बहुत ज़्यादा हो रही है और इसको हमें पता लगाना चाहिए कि इसका मुख्य कारण क्या है और क्या इन लोगों ने वैक्सीन लगवाया हुआ है या क्या रीज़न है। ये डिपार्टमेंट हमारा ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के 22 रेजिडेंट पॉजिटिव आए हैं ओवर अ स्पैन ऑफ 14 डेज। हाँ जी, इन 22 में से 14 डॉक्टर्स हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई थी, 5 ऐसे डॉक्टर्स थे जिनको ऑलरेडी कोविड हो चुका था, सिर्फ 8 ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी जिसमें कि उनका कोई मेडिकल रीज़न था जिसकी वजह से वो वैक्सीन नहीं लगवा पाए। हम जैसे कि पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी जब से कोविड-19 इन्फेक्शन शुरू हुआ है हम हर मरीज़ का जो भी लेबर रूम में आता है उसका कोविड-19 के लिए RT-PCR सैंपल लेते हैं और उसके बाद ही वो मरीज़ लेबर रूम में एंटर करता है। और बार बार से नियमित तौर से हम अपने डॉक्टर्स को, अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को ये जो कोरोना के एटिकेट्स हैं कि 2 गज की दूरी बना के रखना, इकट्ठे खाएं पिए ना, कोई पार्टी ना करें, या मास्क N95 मास्क, और जब लेबर रूम में काम करते हैं ऐसे एरिया में तो PPE किट पहन के रखें और बार बार अपना सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें। ये सभी हम बार बार अपने हेल्थ केयर वर्कर को, सभी को हिदायत देते रहते हैं, लेकिन कहीं किसी कारण से कुछ चूक हुई है जिसके कारण और डॉक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा मात्रा में पॉजिटिव आ गए हैं। अच्छा, इनमें से 12 डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि फर्स्ट डोज अपने लगवा चुके थे और यूजुअली इनका अंतराल जो है इन्होंने लास्ट वीक ऑफ फ़रवरी या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में ही फर्स्ट डोज लगवाई थी। सिर्फ 2 डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनको 2 डोजेस मिली हुई थी और वो 2 डोज भी आप ये कह सकते हैं कि एक हफ्ते के अंदर है, सेकेंड डोज के एक हफ्ते के अंदर ही उनको कोरोना हो गया। इसीलिए हम सभी को ये हिदायत देते हैं कि एक डोज लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप जो कोरोना के एटिकेट्स हैं उनको भूल जाइए, या 2 डोज लगने के बाद भी, क्योंकि जो इसके एंटीबॉडीज हैं वो बनने में टाइम लगता है। सेकेंड डोज के भी आपको 28 दिन तक पूरी हिदायत लेनी चाहिए ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो सके। तो ऐसा नहीं है कि एक कोरोना कोविड-19 वैक्सीन का अगर एक डोज मिल गया तो आपको वो कोरोना नहीं हो सकता। हम ये क्योंकि पूरा लेबर रूम हमने खाली करके उसको सैनिटाइज कर दिया गया है, लेकिन मरीजों की सुविधा के लिए हमने लेबर रूम को रीलोकेट कर दिया, तो उसमें हम 10 के करीब हमने बेड्स अलग लगा दिए हैं, डिलीवरी टेबल्स को सैनिटाइज करके वहाँ रख दिया गया है, लेकिन हमें ऐसे में मालूम नहीं पड़ता कि कितने लोग हमारे पास बाहर से रेफरल आ जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास 40 से 50 रेफरल डेली लेबर रूम में आते हैं। तो इसके लिए हमने पहले ही योजना बना ली है कि इन केस अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमने सिविल सर्जन रोहतक से हमने अपील की है कि वो नॉर्मल डिलीवरी के पेशेंट्स जिनमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, अगर हमें लगेगा कि यहाँ ज़्यादा आ रहे हैं पेशेंट्स, तो
तो हम उनके पास रेफर कर देंगे, और उन्होंने इस बात के लिए हामी भर दी है कि हमें वो इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। देश दुनिया दी ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हां नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत, ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं, अजीत दे वीडियो हुण तुसी एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो, ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब दी आवाज़ अजीत।